फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के साथ नाइट स्टडी रूटीन शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी शाम का 7 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ कुछ चाय बना कर पी लेती हूँ। उसके बाद फिर से पढ़ाई स्टार्ट करूँगी, उसके बाद फिर डिनर बनाऊँगी और आप लोग को पूरा नाइट स्टडी रूटीन शेयर करूँगी आज आप लोग के साथ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और बने रहिए वीडियो पर। किसी ख्वाब में मत रहना कि आ गए हो, कोचिंग कर रहे हो तो क्यों निकल जाएगा। ये यूपीएससी है, यूपीएससी निकलता नहीं है आसानी से। तुम्हारे सभी सॉल्यूशंस के अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज मिसिंग है और वो है पॉजिटिव अप्रोच। ये यूपीएससी का एग्जाम ना फिजिकली नहीं, मेंटली भी चूस लेता। फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकला, सेकंड नहीं निकला, थर्ड नहीं निकला, फाइनल अटेम्प्ट नहीं निकला, पलट के देखोगे जिंदगी का 6 साल गायब। सेल्फ कॉन्फिडेंस जमीन का नीचे घुसा हुआ होता है। मेरा दिन भी ना हिंदू। मैं IR के लिए क्लास 12 का पॉलिटी का बुक खरीदी हूँ, आप लोग देख सकते हैं, NCERT है। उसके साथ ही फ्रेंड्स, मैं वर्ल्ड हिस्ट्री चैप्टर नंबर 16 से 22 का प्रिंट आउट निकाली हूँ, क्योंकि बुक थोड़ा कॉस्टली आ जाता है और तो मैं प्रिंट आउट निकाल ली हूँ। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। PDF भी आप लोग को गूगल पर मिल जाएगा इसका, तो आप लोग वहाँ से भी ले सकते हैं। और अगर आप लोग को मेरा PDF चाहिए तो भी कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में ही फ्रेंड्स, मैं एक एटलस ली हूँ मैपिंग के लिए, और IR में मैपिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग को एटलस रखना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैं ये बुक से कुछ चैप्टर पढ़ाई की हूँ और मैं उसे आगे कंटिन्यू करूँगी। तो चलिए वीडियो में आप लोग बने रहिए। कम से कम उसको 3 बार रीड करने के बाद ही हाइलाइटर का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे सब इम्पोर्टेंस लगेंगे और सब याद कर पाना इम्पॉसिबल है। इसीलिए 2-3 बार पढ़ने के बाद खुद समझ में आ जाता है कि कौन सा एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसके अनुसार आप हाइलाइटर का यूज़ करेंगे। इसलिए कभी भी 1 से 2 बार में हाइलाइटर का यूज ना करें। तो फ्रेंड्स, हम डिनर कर लिए हैं और अब जा रहे हैं असाइनमेंट बनाने। जैसा कि आप लोग को हम बताए थे कि उनका एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो कॉलेज में जाके असाइनमेंट भी सबमिट करना होगा, तो उसके लिए अब जा रहे हैं असाइनमेंट बनाने। तो देखते हैं असाइनमेंट लिखने में कितना टाइम लगता है।